कोरोना वायरस, इम्यूनिटी, वैक्सीन, ट्रांसमिशन, सोशल डिस्टेंसिंग, इन्फेक्शन, मास्क, ये ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके बारे में हमने मार्च 2020 से काफी पढ़ा और सुना भी। लेकिन क्या आपने सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी के बारे में सुना है? क्या होता है सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी? दरअसल कोरोना से संक्रमित होने और वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवाने के बाद कुछ लोगों में सुपर एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। ये कोरोना संक्रमण के खिलाफ बुलेट प्रूफ के जैसा सुरक्षा देता है। न्यूयॉर्क में रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपनी हालिया रिसर्च में ये दावा किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे लोगों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एंटीबॉडीज फौरन वायरस के संक्रमण का जवाब देने लगती हैं। उन्होंने इसे सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी का नाम दिया। शोधकर्ताओं ने बताया कि सुपर इम्यूनिटी कोरोना के अलग अलग वेरिएंट से लड़ने के लिए तैयार रहती है। इसे हाल के कई रिसर्चेस में साबित भी किया गया है। ये कोरोना वायरस के वेरिएंट ऑफ कंसर्न को भी मात दे सकता है। रिसर्च कैसे किया गया, इम्यूनिटी कैसे कोरोना वायरस को मात देती है और किस हद तक ये प्रभावी है, इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहिए। कोविड-19 इम्यूनिटी पर रिसर्च के जरिए ये समझने का प्रयास किया गया कि किस हद तक कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षा मिलती है। रिसर्च में फाइजर और मोडर्ना की वैक्सीन लगवाने वाले मरीजों को शामिल किया गया। आसान भाषा में ये दोनों वैक्सीन कोरोना के जेनेटिक मटेरियल यानी mRNA लेकर शरीर के इम्यून सिस्टम को इस तरह सिखाती है कि ये फौरन वायरस के संक्रमण को समझ सके और उससे लड़ने के लिए सक्रिय हो सके। कोरोना को मात देने वालों का इम्यून सिस्टम काफी हद तक कोरोना से लड़ाई को सीख चुका होता है। अब वैक्सीन की दोनों डोजेस के बाद कोरोना मुक्त शख्स काफी संरक्षित हो जाता है, यानी एक तरह का सुरक्षा कवच उसके शरीर में कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए विकसित हो जाता है। कोरोना के संक्रमण से बनी प्राकृतिक इम्यूनिटी अलग तरीके से काम करती है। ये वायरस से संक्रमण के मामले में कई तरीकों से सुरक्षा देती है। मिसाल के तौर पर इम्यून सिस्टम का बी और टी सेल्स याद रखता है कि संक्रमण के समय वायरस की कैसे पहचान करें। आमतौर से ये इम्यूनिटी 7 से 8 महीनों के लिए रहती है। 1 साल बाद इम्यून सिस्टम वायरस को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन नए वेरिएंट्स संक्रमण के जोखिम को बढ़ा देते हैं। वैक्सीन से प्राप्त इम्यूनिटी, प्राकृतिक इम्यूनिटी हासिल करने के बाद अगर किसी शख्स का टीकाकरण होता है तब बीमारियों से लड़ने वाली इम्यून सिस्टम की मेमोरी वायरस से लड़ने के लिए तेज हो जाती है। वैक्सीन इम्यून सिस्टम को सिग्नल देने का काम करती है। इस तरह ये लंबे समय तक वायरस को हराने के लिए तैयार हो जाती है। कोरोना संक्रमण के बाद वैक्सीन के दोनों डोजेस लेने से मरीज 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज पैदा करता है। ये एंटीबॉडीज कोरोना के खतरनाक वेरिएंट बी 1.351 के खिलाफ भी रक्षा करती है। इस तरह सुपर इम्यूनिटी 2 तरीकों से बनती है, पहला कोरोना वायरस के संक्रमण से और दूसरा टीकाकरण से। ABP News आपको रखे आगे।